अमृतसर के भक्तामाला मंदिर के हालात बद से बदतर हैं तथा पिछले लंबे समय से वहां पर कोई काम भी नहीं करवाया गया है। वहीं नवनीत प्रधान का कहना है कि अब पंजाब सरकार 13 करोड़ की लागत से मंडी को नया रूप देने जा रही है तथा 2014 से रुके हुए आड़तियों के पैसों को भी पंजाब सरकार देगी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए भक्तावाला मंडी के प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि 2014 से आड़ती भाइयों के पैसे उस समय की सरकार ने नहीं दिए थे, जो कि अब वापस लाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत से काम इस मंडी के हैं जो लंबे समय से भक्तावाली मंडी की बुनियादी सुविधा को नहीं मिल पा रहे हैं। ये जिम्मेदारी मेनू भरावान ने बड़ी तनदेही दे नाल जोर लगा के दिता गया, पर उन्होंने ख्वाहिशों से मैं उन्होंने कामों से उन्होंने जो प्रॉब्लम हो पहल के आधार पर दूर करूँगा तो उन्होंने विश्वास दवाना। तो सब तो पहला जोड़े मंडी के 2014 के पैसे रुके हुए हैं उन्होंने आधार पर पहल के आधार पर दवाए जाएंगे जितों तक हो सकया। बाकी जी अगे चलदियाँ समस्या साड़ी मंडिया दहुत ने, जिमें 6 साल तो कोई डिवेलपमेंट नहीं हुई मंडी के, सड़क बहुत खराब ने, शैड टुटे हुए ने, नवे शैड बनने वाले ने, तो मंडी की चारदवारी भी होने वाली आ जी सब तो बड़ा चोरी का कारण बनती है। ये अपन सरकारिया साहब नूं मिल के सरदार इंद्रबीर सिंह बुलारिया ने इन्होंने मिल के सरदारी सरदार लाल सिंह जी ने सारे चेयरमैन उन्होंने गलबात करके मंडी के जोड़े काम डिवेलपमेंट के कराए जाएंगे। हाँ जी, पहला भी लिया गया जी, साढ़े सरकारिया साहब आए थे अज तो एक महीना पहला मंडी, असी उन्होंने मंडी बारे सम्मानित किया अपनी इलैक्शन तो पहला। सानू 13 करोड़ रुपया इशू कर गए ने मंडी के डिवेलपमेंट वास्ते, असी उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साडा एजेंडा सिर्फ अज अपनी कैबिनेट बनाता सी, असी 21 मैंबरी कमे अपनी कमेटी बनाई है तो मेन मकसद वो सीगा, उस तो बाद बाकी सारे काम किए जाए। वह ही हलका MLA साहब बुलारिया साहब ने गल करके वो मसला भी हल कराया जाऊगा। काफ़ी हद तक उस चीज़ काफ़ी इंट्रस्ट ने यह काम ठीक कराने अपने इंट्रस्ट लै रहे हैं। बाकी साड़ी कमेटी अज ही बनी है, अज अं अगले वीक तो अपना सारी कार्रवाई शुरू करा इस पास चलों।